अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह से न्यू बर्न बेबी लंगोट, जिसका बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत कम कपड़े में और बहुत कम वक्त में तैयार किया जाएगा। इसको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लंगोट की कटिंग कुछ इस तरह से होगी, जिसकी लंबाई इस तरह है, यानी इसकी लंबाई 14 इंच पे है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। और इसके बाद इसकी पट्टी हम लिए हैं, ये टुकड़े में थी कपड़े थे तो ये दो पट्टियाँ कटिंग करनी पड़ी है इस तरह से। तो इसकी भी लंबाई हम देख लेते हैं, ये पूरा टोटल 22 इंच है लंबाई में। और इस पट्टी को 2 इंच चौड़ी लिए हैं, जो यहाँ पे ही जहाँ पे रखे वहाँ पे लगेगी। और एक छोटी पट्टी हम दो टुकड़े में लिए हैं इस तरह की, तो जिसकी लंबाई 3.5 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है, जिसको हम एक छोटी पतली पाइपिंग की तरह इस तरह सिलेंगे। ऐसा 2 बार फोल्ड किया और इस तरह से दोनों पट्टी को हम सिल लेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ तक ऐसा सिलाई लगाएंगे। तो पहले इस पट्टी को सिलकर हम इसके अंदर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे, एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे, दोनों रखकर इस तरह सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद तो फिर उसके बाद हम इसके डाप सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको ये पट्टी को यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरह बंधन लगा देंगे। तो इस तरह हमारे लंगोट तैयार होंगे। चलो इसकी सिलाई कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये कपड़े को डबल फोल्ड किए इस तरह, फिर उसके बाद इस तरह जैसा बता चुके हैं, फिर उसके बाद ये हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये हमने ये एक पट्टी और ये दूसरी पट्टी इसको सिलाई कर ली है। उसके बाद ये कपड़ा हमें जोड़ना था, वो भी उसके साथ साथ हम कर लिए हैं, यानी ये जो लंबी डोरी के लिए हम कपड़ा लिए थे उसको भी इस तरह जोड़ लिए हैं। उसके बाद हम इस कपड़े की सिलाई करेंगे और उसके बाद हम बीच का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद इस तरह से इस तरह करते हुए इस तरह ये कपड़े को फोल्ड किए। उसके बाद हम ये 1.5 इंच यहाँ पे जो होता है 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यानी दोनों तरफ इस तरह निशान लगाने के बाद यह हमारा ये निशान दिख रहा है। इसी के बराबर हम पट्टी को रखेंगे, ये जो हम छोटी छोटी पट्टियाँ सिले हैं, तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे इसी के बराबर में। और इसी तरह हम दूसरी पट्टी को भी इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। फिर हम इसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमारी सिलाई यहाँ से शुरू होगी, फिर यहाँ से टर्न होगी, यहाँ तक जाएगी। चलो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इसका सिलना बहुत ही आसान है। अब इसको हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों, ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसकी तरफ से हम हाथ डालेंगे। इसको जिस तरह सीधा करना है उस तरह पूरा इस तरह हम सीधा कर लेंगे। इसको हम सीधा कर लिए हैं। उसके बाद हम इस पर ये यहाँ से दाब सिलाई शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक ले जाएंगे। पूरा तरह से ये सिलाई होगी। इस तरह से हम तीनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। के बाद हम इसको इस तरह करेंगे और इन दोनों पट्टियों को इस तरह लाएंगे और इसको हम थोड़ा सा 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे और इसको भी 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे। हम इस पे दोनों पट्टियों पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी सिलाई होगी। फिर इसके बाद इस सिलाई को हम मज़बूत कर लेंगे। इस बंधन को मज़बूत करने के लिए डबल सिलाई लगा देंगे इसी पे। इस तरह से यहाँ तक पूरी सिलाई मज़बूत करेंगे। ये देखिए। अब उसके बाद हम डोरी लगाएंगे। तो इस पे ये
पट्टी तो लग चुकी है, उसके बाद ये हम इस पट्टी को बीचों बीच रख कर इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई ये बीचों बीच कट था तो इसलिए बीचों बीच पे इसको कर दिए तो बराबर से समझ में आ गया। और इसको हम मजबूती करने के लिए इसको इस तरह से थोड़ा सा डबल सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ही हमारी लास्ट सिलाई हो रही है, यानी इस पट्टी को इस तरह सिल के हो गया है। तो हम इसको एक बार और इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से इस पे लाएंगे और इस तरह हमारा बंधन तैयार किया जाएगा। ये देखो दोस्तों, अपना न्यूबॉर्न बेबी लंगोट बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही आसानी से और कम कपड़े में और कम वक्त में तैयार किया गया है। इसको कुछ इस तरह से पहनाएंगे, जैसे ये हिस्सा हम इस तरह रखेंगे और ये जो अपना लगा हुआ है इस तरह से लाएंगे और ये इस तरह से पहनाया जाएगा। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।